नमस्कार, इस घंटे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ प्रीति। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को जवाब देते हुए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि उच्च शिक्षा के सत्र को नियमित करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस मामले को लेकर अधिकारी और मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। नवादा में चोरों का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि नवादा में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया है, जहां से लाखों की संपत्ति पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। मॉनसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू विधायक दल की आज बैठक करेंगे। बैठक में जदयू के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। उधर राजद विधायक दल की बैठक शुक्रवार को होगी, जिसमें सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले के विधायक भी शामिल होंगे। बता दें कि मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष रणनीति बनाएगी। वहीं इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रहेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि नवादा में इलाज के दौरान एक प्रसूति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सिविल सर्जन के आदेश पर अवैध नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। पटना में जदयू नेता विजेंद्र यादव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक लीडर एक पार्टी है, बिहार में महाराष्ट्र वाली स्थिति कभी नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन में कोई पार्टी किसी की गुलामी नहीं करती है, समन्वय के आधार पर सरकार चलती है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बता दें कि शुक्रवार से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होगा। बेगूसराय में पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था और इसी दौरान वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कस्टम विभाग ने रक्सौल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि रक्सौल बॉर्डर से कस्टम विभाग ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। राजद विधायक राकेश रोशन ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष तैयार है। मॉनसून सत्र में बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जनता के विषयों पर विपक्ष चुप बैठने वाली नहीं है। आप देख रहे थे इस घंटे की तमाम बड़ी खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।